रोड नंबर 308 308। मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा और उसका कल्याण हो। श्री राम का ये वचन हृदय में धारण कर अंगद लंका में प्रवेश करते हैं। राह में रावण के एक पुत्र से भेंट होती है जो इनके समान ही अतुलनीय बलशाली है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है। रावण पुत्र ने क्रोध में इन्हें मारने को जो लात उठाई तो अंगद ने वही लात पकड़ उसे मार गिराया। पूरी लंका में भय और आतंक छा गया। बालीपुत्र अंगद तब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। परिचय पूछे जाने पर अंगद कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता बाली तुम्हारे मित्र थे, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की बात करने आया हूँ। पुलस्त्य ऋषि के पौत्र होने के नाते तुम उत्तम कुल के वंशज हो। सभी लोकपालों तथा राजाओं को तुमने जीता है, लेकिन मदांधतावश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब अपने करने के पश्चाताप स्वरूप मेरी सलाह मानकर श्री राम की शरण जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो। बंदी शरण पुर धर प्रभु ताई, अंगद चलेउ सब ही तेरु नाई। प्रभु प्रताप पुर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा तो होई गए बेटा। बात ही बात करक बड़ी आई, जुगल अतुल बल उनी तरुनाई। ते अंगद कहूं लात उठाई, गही पद पट के भूमि बुआई। नित चरण कर देखि भट भारी, जह तह चले न सकही पुकारी। एक एक सन मरम न कही, समुझता सुबद चुप कर रही। भयउ कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलन का ही जारी। अब दो कहाँ कर ही कर तारा, अति सबीत सब कर ही बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाए सुखारी। गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनि
इत उत चितव धीर वीर बल पुंज तुरत निसाचर एक पठावा समाचार राव नहीं जनावा सुनत बिहति बोला दस सीता आनहु बोले कहाँ कर सीता आय सुपाई दूत बहुधाए कवि कुंज रही बोली ले आए अंगद दीखद सानन बैसे सहित प्राण सज्जल गिर जैसे पूजा विटप सिर सिंह समाना रोमावली लता जनुनाना मुख नासिका नयन अरुकाना गिर कंदरा कोह अनुमाना सभामन ने कुन मुरा बालित नय अति बल बापुरा उठे सभा सद कपि कहूं देखी रावण उर्वा क्रोध विदेखी जथामत गज जूत महु पंचानन चली जाय राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा तिरुनाय कह दस कंठ कवन से बंदर मैं रघुवीर दूत दस कंधर मम जन कही तो ही रही मिसाई तब ही सतारण आयम आई उत्तम कुल पुलति कर नाती शिव विरंचि पूजहु बहु भांति बर पायहु कीनहु सब काजा जीतहु लोक पाल सब राजा नृप अभिमान मोह बस किंबा हरि आनी हु सीता जगदम्बा अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा दसन गहु त्रिन कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज लारी सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलहु सकल भय त्यागे प्रणत पाल रघुवंशमणि त्राहि त्राहि अब आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करै